हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप व्हाट्सएप पर किसी से चैट करते हैं और ऐसे में अगर आपके सामने इंग्लिश में मैसेज आ जाता है और आपको उसे ट्रांसलेट करना होता है तो आप किस तरीके से कर पाएंगे, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद में आपको अपने फ़ोन के अंदर प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर में आपको लिखना है HIDictionary, ठीक है। इस तरीके से लिखकर आप यहाँ पर सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद में आपके सामने ये एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगी और आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। अगर आप इसे एक बार डाउनलोड कर लेते हैं तो आप अपने फ़ोन से इसे डिलीट करने का नाम ही नहीं लेंगे। बस शर्त यह है कि इसे आपको सही से यूज करना आना चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि हम आपको अच्छी अच्छी वीडियो और भी ज़्यादा दे सकें। तो हमारा ये एप्लीकेशन है यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है, और आज की इस वीडियो में आप इसे अच्छी तरीके से चलाना सीख जाएंगे। और काफ़ी वीडियो हैं वो कह रहे हैं कि पैसे मांग रहा है ये एप्लीकेशन, तो ये पैसे बिल्कुल भी नहीं मांग रहा है। हम यहाँ से इसे ओपन करेंगे। अगर ये पैसे मांग रहा है तो किन कामों के लिए ये पैसे मांग रहा है वो भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। ये बोल रहा है कि आपको इसे इस तरीके से परमिशन देना है और ये आपको परमिशन देना है, ठीक है, इस तरीके से। तो हम चलिए यहाँ से स्किप कर देते हैं। आपके सामने कुछ इस तरीके से आता है। अब ये बोल रहा है ट्राई प्रीमियम फॉर फ्री, ठीक है। तो कहने का मतलब है आप इसे फ्री में यूज कर सकते हैं। आपको यहाँ से ऊपर में ये ऑप्शन मिल गया है कट का, तो इससे आपको यहाँ से कट करना है। उसके बाद में आपको कहीं पर भी एक बार टिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद में फिर आपको टिक करना है, आपको यहाँ पर मिल जाएगा लॉकअप, ठीक है। इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में अपनी लैंग्वेज यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मेरी लैंग्वेज है हिंदी और मेरे दोस्त की लैंग्वेज है इंग्लिश, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से कर देंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर सिंपल ट्रांसलेट चाहते हैं या फिर आप जब भी ट्रांसलेट करें तो वो पढ़कर भी बताए, तो वो चीज़ भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि वो बोल कर भी बताए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में बैक करते हैं। बैक करने के बाद में हम इसे ऑन करते हैं इस तरीके से, ठीक है। आपके सामने देख पा रहा है कुछ इस तरीके से ये काम करेगा जिस तरीके से अभी ये दिखा रहा है, ठीक है, देख सकते हैं। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सेट परमिशन पर सिंपली क्लिक करेंगे, यहाँ से हम परमिशन दे देंगे, ठीक है। उसके बाद में बैक करेंगे, फिर हम परमिशन पर सिंपली क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट पर सिंपली क्लिक करेंगे और हम यहाँ से परमिशंस को ऑन कर देंगे, ठीक कर दी है। उसके बाद में बैक आएंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं HIDictionary, तो जो हमारी एप्लीकेशन की जो परमिशंस है वो यहाँ पर ऑन हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद में बैक आएंगे, फिर बैक आएंगे और फिर बैक आना है। अब आपको यहाँ पर इसे ट्रांसलेट करके देख लेना है, ठीक है। जैसे कि इस आइकन को आप यहाँ पर करेंगे इस तरीके से, तो मैं यहाँ से इसे थोड़ा बैक करता हूँ और ये हमारी ऑन हो चुकी है, तो ये ट्रांसलेट कर रहा है, ठीक है। अब इस तरीके से आपको अपने व्हाट्सएप में आना है। व्हाट्सएप में आने के बाद आप यहाँ से किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही आराम से, ठीक है, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।